उसमें क्या खराबी होने वाली है वो भी पूरा कस्टमर को और डीलर को सब जगह पे वो बताएगा, कितना बिगा खेत उसको खेत में काम किया है, कितने टाइम तक उसने रोड पे चलाया है, किस आरपीएम पे चलाया है, कितने लोड पे चलाया है। तो वो जो टेक्नोलॉजी है उसको अपन जेडी लिंक बोलते हैं। और ये जो बॉक्स दिख रहा है ये वही जेडी लिंक है जिसके थ्रू अपने को वो पूरी डिटेल्स वहीं पे मिल जाती है। तो ये अपने यहाँ पे लगा रहता है, इसकी वजह से कस्टमर को कभी भी ज़्यादा देर तक ट्रैक्टर को खड़ा रखने की ज़रूरत नहीं है, एंड टू एंड उसका समाधान मिल जाता है। और अगर कस्टमर पढ़ा लिखा है तो उसका समाधान वो खुद भी कर सकता है ट्रैक्टर में जो भी। इसके बाद अपन थोड़ा आगे चलते, इसके बाद जो अपना साइलेंसर रहता है वो इसमें साइड में दिया हुआ है ताकि जो अंदर ऑपरेटर है उसको प्रॉपर तरीके से विजुअल हो और अंदर से वो सब कुछ देख पाए। जो अभी एक जो मैंने टेक्नोलॉजी बताई थी कि इसमें टिल्ट और टेलीस्कोपिक स्टीयरिंग दिया हुआ है, तो टेलीस्कोपिक किसको बोलते हैं कि इस स्टीयरिंग को आप ऊपर नीचे भी कर सकते हो, मतलब अपने हाइट के हिसाब से इसको एडजस्ट कर सकते हैं। और टिल्ट स्टीयरिंग कि इसको अपन आगे पीछे भी कर सकते हैं, मतलब जो अपनी हाइट है जितना अपने को कंफर्टेबल चाहिए उसके हिसाब से अपन ऊपर नीचे, अगर अपने को यहाँ पे सेट करना है तो इसको यहाँ पे लॉक कर दिया तो ये यहाँ पे लॉक हो गया। और इसको अगर आगे पीछे मानो मेरे को जो सुविधा है उसके हिसाब से मैं इसको एडजस्ट कर सकता हूँ, तो मैं यहाँ पे बैठा बैठा प्रॉपर तरीके से काम कर सकता हूँ। अगर किसी की हाइट कम है या फिर यहाँ तक पैर नहीं पहुँच पा रहे तो उसको आगे करके और इसको जस्ट एडजस्ट कर सकते हैं अपनी हाइट के हिसाब से। तो ये है अपना टिल्ट और टेलीस्कोपिक स्टीयरिंग। सेकंड, इसमें जो सीट दी हुई है वो भी एकदम पूरी कंफर्टेबल है, इसको अपन यहाँ से आगे पीछे भी कर सकते हैं अपनी सेटिंग के अनुसार। और ये साइड में आर्म रेस्ट दिए हुए हैं, मतलब जो भी ऑपरेटर है वो आरामदायक तरीके से यहाँ पे हाथ रख सकता है और इसको चला सकता है, किसी भी टाइप की कोई दिक्कत नहीं आती। दूसरा, इस साइड में ये कप होल्डर दिया होता है तो यहाँ पे जो भी ग्लास वगैरह है वो यहाँ पे रख सकते हैं। लेकिन मैं इस साइड में ये अपना डीसी और पीसी लीवर दिया होता है जो हाँ लिफ्ट के लिए, तो ये पूरा एकदम कंफर्ट है कि यहाँ पे हाथ रखे रखे इसको आप ऑपरेट कर सकते हो, इसमें पूरा नीचे तक वहाँ तक हाथ ले जाने की जरूरत नहीं, दिक्कत ना हो, एकदम कंफर्ट तरीके से वहाँ पे वो काम कर सकता है। इसके बाद जो एसी का मैं बता रहा हूँ, ये तीनों साइड में तीन तीन होल दिए हुए हैं एसी के लिए ताकि चारों तरफ से पूरा एरिया कवर करे, इसमें किसी भी टाइप का दिक्कत ना हो। इसके बाद यहाँ पे ये साइड में जो ग्लास दिया होता है कभी कभार क्या होता है कि बाहर खुल जाता है जिसके थ्रू पीछे का जो भी अपन इम्प्लीमेंट लगाए हुए हैं उसको प्रॉपर तरीके से देख पाए, तो वो यहाँ पे अपने को देखने को मिलता है। इसमें ये सीट बेल्ट भी दिया होता है जो कि एक सेफ्टी फीचर है, इन केस कोई एक्सीडेंटल होता है तो ये अपने को बचाता है, कभी भी ट्रैक्टर को टर्न होने से बचाता है जो कि एक सेफ्टी फीचर है। तो टेल लैंप है वो भी एक स्टाइलिश लुक दिया गया है इसको ताकि देखने में सुंदर लगे। इसमें जो एससीवी वाल है वो भी डबल एससीवी वाल दो फिटेड है, वो भी कंपनी फिटेड आता है जिसके थ्रू अपने को पीछे अगर कहीं हाइड्रोलिक देने की जरूरत है तो वो यहाँ से आरामदायक तरीके से यूज कर सकते हैं, एडिशनल लगवाने की जरूरत नहीं है, तो ये यहाँ पे अपने को दिया होता है। बाहर वाइपर लगा हुआ है शीशे के पास, उसका जो पानी है वो इसमें लगता है। बढ़िया लगा, किसान के लिए अच्छा है बुरा है? अच्छा, बढ़िया है किसान के लिए। और जैसा इम्प्लीमेंट जैसा ट्रैक्टर हम खरीदते हैं ना, कोई भी अगर संसाधन बढ़ाते हैं तो वैसा ही हमें काम भी मिलता है और उसका सोल्यूशन भी मिलता है साथ ही साथ। बना दिया, इसको भी गोल किया गया है, यहाँ पे ये स्ट्रक्चर इसलिए है कि पीछे से आरामदायक यहाँ से देख सके और साइड से भी एकदम पूरा दिखे, तो कोने से भी एकदम पूरा विजिबल रहता है। भी अपन ने चार दिए और बड़ा इम्प्लीमेंट हमें चलाना पड़ता है, पावर हैरो हमें चलाना पड़ता है या हमें एमबी प्लाउ चलाना है, तो उसके लिए अलग अलग प्रकार के दिए।
इसमें क्या होता है, बड़ा ट्रैक्टर है तो एक के अंदर मान के चलो कि जो पल्टी प्लाउ चलता है, तो इसकी टोपलिंग्स भी अलग प्रकार की आती है कि आप लीवर से टोपलिंग बढ़ा घटा भी सकते हो एसी के अंदर बैठे होते हैं, तो उससे पाइपें लगती हैं टोपलिंग के अंदर, आपको टोपलिंग बड़ी करनी है तो उस लीवर की मदद से आप टोपलिंग बढ़ा भी सकते हैं और घटा भी सकते हैं। अत्याधुनिक मतलब इस जमाने का नया ट्रैक्टर है, 8 से 10 यूनिट हम बेच चुके हैं अपने राजस्थान में। जो चीजें अभी अपन ने डिस्कशन की थी वो एक बार मैं देखूं तो ये अपने इधर लगे हुए मिरर दोनों साइड में, तो अंदर जो ऑपरेटर बैठा है उसको प्रॉपर तरीके से विजुअल रहता है, ठीक है, वो पीछे की चीजें प्रॉपर तरीके से देख पाता है। दूसरा, इसमें डीजल टैंक इस साइड में दिया हुआ है, पीछे की साइड में नहीं है, तो ये भी प्रॉपर नीचे स्पेस है, आरामदायक तरीके से कभी भी कोई दिक्कत नहीं आती है। और जो अपना इसका डीजल रहता है वो ठंडा रहता है, जिसकी वजह से उसकी परफॉर्मेंस है वो अच्छी आती है। इधर जो ये जो सिस्टम दिया होता है ये है अपना EGR, जिसको जो एग्जॉस्ट गैस होती है उसको वापस उसको ठंडा करके और रिसर्कुलेट करता है, जिसकी वजह से जो अपना पर्यावरण प्रदूषण है वो अपना कम होता है। अगर मैं इसमें बात करूँ यहाँ पे ये फेंडर दिए हुए हैं, तो कि बहुत सी बार कस्टमर को क्या होता है कि धूल मिट्टी आंखों में आती है फोर व्हील ड्राइव होने के कारण, तो ये फेंडर उसका बचाव करते हैं, तो ये भी इस ट्रैक्टर के अंदर एडिशनल फीचर दिया हुआ है। इसके बाद यहाँ पे ये वाला जो दिख रहा है क्या करती है, जहाँ पे धूल मिट्टी वाला काम है वहाँ पे अपना बहुत सारे डस्ट है वो इसके ऊपर जमा हो जाता है, तो इसको अपन बाहर निकाल के आराम से साफ करके वापिस डाल सकते हैं, जिससे अपना रेडिएटर चौक नहीं होता है और वो हमेशा ठंडा रहता है। इसके बाद ये इधर जो कंडेंसर दिया हुआ है वो अपना जो एसी का तापमान है उसको ठंडा करने के लिए उस गैस को ठंडा करता है, वो अपने इधर आगे रहता है। इसके बाद नेक्स्ट जो है वो है अपना ड्राई टाइप एयर फिल्टर, जो कि नॉर्मल अपने ट्रम 3 ट्रैक्टर में भी आते थे वही फिल्टर अपने को इसमें भी दिया हुआ है। इसके कारण आरामदायक तरीके से कस्टमर इसको साफ कर सकता है और जस्ट 5-4 मिनट के अंदर उसको साफ करके वापस डाल सकता है, इसमें किसी टेक्नीशियन की जरूरत नहीं है उसको साफ करने के लिए, तो उससे उसको उस चीज़ का फायदा है। यहाँ पे एक बार